गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे बेईमानी डर और मौत के सौदागर। कश्मीर में जिन्होंने अपना खून दिया है, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उनके खून के पीछे आप छुपे हुए हो, उनकी आप दलाली कर रहे हो। मोदी जी नए नए आए हैं पूरे परिप्रेक्ष्य में, गुजरात में रहते थे, मेंढक अभी बाहर निकला है कुएं से। ये आईसीस हो गए, ये उसामा बिन लादेन हो गए, खुला हो गए, खुला हो गए, मगर कोई ये तू नहीं कह रहा कि ये हिंदू आतंकवादियों को। इसलिए ऐसे लोगों को जिन्होंने ऐसे दुष्कर्म किए होते हैं, इनको उन्हीं लड़कियों के सामने और महिलाओं के सामने उल्टा लटका करके मार मार के चमड़ी उधेड़ कर फिर उस मांस में नमक और मिर्च कर देना चाहिए ताकि ये कर्पे। रावण के बारे में तो आपका दिल दिमाग साफ हो गया। लखनऊ का रावण, राज्य का रावण, दिल्ली का रामलीला मैदान का रावण, राष्ट्र का रावण। ये शैतान खामोश रहता है थोड़ी देर और फिर कहता है कुत्ते का पिल्ला लिया था। हम दो और हमारा एक, हमने वो भी मान लिया था। अब इन बेईमानों का संतोष नहीं हुआ, एक और नारा दिया, हम दो और हमारा। हमसे वफादारी की सर्विस मत मांगो, हमें तो वफादारी की सर्विस तुमसे मांगना है। जुबान से जहर उगलने वाले ऐसे नेता एक दो नहीं बल्कि इनकी लंबी चौड़ी फेहरिस्त है। एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक ताज़ा रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में मौजूदा 58 सांसदों और विधायकों पर भड़काऊ भाषण देने के मामले दर्ज हैं। इनमें से 15 लोकसभा सांसद हैं और अलग अलग राज्यों के 43 विधायक हैं। सबसे खास बात यह है कि 15 सांसदों में अकेले 10 बीजेपी के सांसद हैं, जबकि 43 विधायकों में से 17 बीजेपी के हैं, यानी कुल मिलाकर 27 नेता। दूसरे नंबर पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM और TRS है, जिनके 6 नेताओं पर केस दर्ज है। कुल मिलाकर 13 पार्टियों के नेताओं के खिलाफ केस दाखिल है, जबकि 2 सियासतदान निर्दलीय भी हैं। राज्यों के लिहाज से बात करें तो सबसे ज्यादा 15 नेता अकेले उत्तर प्रदेश के हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हिंदुस्तान का ये हाल है। चौंकाने वाली रिपोर्ट देखकर हम तो यही कहेंगे, लोकतंत्र में ऐसे जहरीले नेताओं का क्या काम।